Hi guys, welcome back to my channel. I am कृतिका and our today's discussion is on the topic types of partner. So let's get started. आगे बढ़ने से पहले थोड़ी रिविजन करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म और पार्टनर्स को लेकर सो वो लोग जो पार्टनरशिप में जुड़कर बिजनेस करने आए हों उन्हें हम इंडिविजुअली पार्टनर्स कहेंगे और इन सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली फॉर्म कहेंगे क्योंकि उन्हीं से तो बिजनेस है एंड शॉर्ट जो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं बिजनेस पर्पस के लिए वो पार्टनर्स कहलाएंगे सारे पार्टनर्स मिलकर फॉर्म कहलाएंगे और इन सारे पार्टनर्स के आपसी रिलेशनशिप को हम पार्टनरशिप कहेंगे ओके और जो पार्टनर्स होते हैं वो भी बहुत सारी कैटेगरीज या कह लें तो टाइप्स में बटे होते हैं जैसे एक्टिव पार्टनर या मैनेजिंग पार्टनर भी कहते हैं इसको और स्लीपिंग पार्टनर नॉमिनल पार्टनर एक्सेट्रा टाइप्स ऑफ पार्टनर के कैटेगरी में जो हमारा पहला कैटेगरी है वो है एक्टिव पार्टनर का गाइज एक्टिव पार्टनर वो होते हैं जो कि बिज़नेस के डे टू डे एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पार्ट लेते हैं बिजनेस के कामों को मैनेज करते हैं देख रेख करते हैं बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में एक्टिव पार्टनर्स फॉर्म एक मैनेजर एडवाइजर ऑर्गेनाइजर और एक कंट्रोलर की तरह काम करते हैं इन सब का रोल प्ले करते हैं और साथ ही साथ एक एजेंट की तरह भी काम करते हैं कभी कभी एक्टिव पार्टनर्स को प्रॉफिट के साथ साथ सैलरी भी दी जाती है क्योंकि वो इतने सारे काम जो कर रहे हैं हालांकि उनको सैलरी मिलेगी या नहीं ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा सेकंड टाइप है स्लिपिंग पार्टनर स्लिपिंग पार्टनर को हम डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं स्लिपिंग पार्टनर वो होते हैं जो बिज़नेस के डे टू डे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते ये बिज़नेस में मनी तो इन्वेस्ट करते हैं लेकिन अपना टाइम नहीं दे पाते कोई कार्य नहीं करते लेकिन दूसरे पार्टनर्स के थ्रू किए गए एक्ट के लिए बाउंड ज़रूर होते हैं सारे पार्टनर्स की तरह इन्हें भी फॉर्म में प्रॉफिट या लॉस शेयर करना पड़ता है लेकिन एक स्लिपिंग पार्टनर होने के कारण इन्हें रिटायरमेंट के पहले पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी नहीं होता जबकि इनके अलावा बाकी सारे पार्टनर्स को रिटायरमेंट के पहले पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है थर्ड है नॉमिनल पार्टनर नॉमिनल पार्टनर फर्म के एक्चुअल पार्टनर नहीं होते इन्हें फ़र्म के प्रॉफिट या लॉस किसी भी तरह की किसी भी एक्टिविटीज से कोई लेना देना नहीं होता ना ही इनकी कोई वॉइस होती है मैनेजमेंट में ये वो पार्टनर हैं जिन्होंने फर्म में सिर्फ अपना नाम दिया हो एज अ पार्टनर ताकि फर्म को एक तरह से बेनिफिट हो पाए इनके नाम इनके गुडविल के वजह से फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सेलिब्रिटी के या कोई बहुत बड़े आदमी के केवल नाम मात्र से लोग किसी बिजनेस पे या उसके प्रोडक्ट पे भरोसा कर लेते हैं ठीक वैसे ही नॉमिनल पार्टनर के केस में भी होता है वैसे तो नॉमिनल पार्टनर का बिज़नेस के किसी भी एक्टिविटी या प्रॉफिट लॉस से लेना देना नहीं होता लेकिन जैसा कि लोगों के लिए वह बिज़नेस में एक पार्टनर की तरह है वो बाकी पार्टनर के एक्ट के लिए आउटसाइडर्स या थर्ड पार्टी के लिए लाइबल होगा नेक्स्ट है पार्टनर बाय स्टॉप पार्टनर बाय स्टॉपल वो पार्टनर हैं जिन्होंने अपने वर्ड्स एक्ट या अपने किसी भी तरीके के एक्शन से लोगों के सामने ये प्रिटेंट कर दिया हो कि वो फर्म के पार्टनर हैं इन शॉर्ट पार्टनर ना होते हुए भी वो लोगों के सामने खुद को फर्म के पार्टनर की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं हालांकि फर्म का पार्टनर ना होते हुए भी पार्टनर बाय स्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट लाइबल होते हैं क्रेडिट्स और लोन के लिए क्योंकि हो सकता है उनके नाम या पहचान के वजह से उन पर भरोसा करके कि वो फर्म के पार्टनर हैं लोगों ने फर्म को क्रेडिट दे दिया हो या लोन दे दिया हो लेकिन इसके लिए भी दो कंडीशंस होते हैं पहला कि ये पार्टनर बाय स्टॉपल ने खुद के वर्ड्स या एक्शन के द्वारा लोगों के सामने खुद को फर्म का पार्टनर रिप्रेजेंट किया हो और दूसरा ये कि लोगों के पास इस बात का प्रूफ हो कि उस बंदे ने खुद को एज अ पार्टनर रिप्रेजेंट किया है फिफ्थ है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली पार्टनरशिप में जैसे कि हम जानते हैं पार्टनर आपस में प्रॉफिट या लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हैं प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन तो कंपलसरी है क्योंकि यदि कोई पार्टनर प्रॉफिट नहीं लेता है तो वो पार्टनर कहलाएगा ही नहीं पार्टनर बाय स्टॉपल या नॉमिनल पार्टनर एक्सेप्शन केस हैं क्योंकि असल मायने में वो पार्टनर्स होते ही नहीं हैं उन्हें तो सिर्फ पार्टनर मान लिया जाता है ओके लेकिन पार्टनर्स को लॉस शेयर करना नेसेसरी नहीं होता है पार्टनरशिप के केस में हो सकता है बहुत सारे पार्टनर ऐसे भी हों जो सिर्फ प्रॉफिट लेते हों लॉस में उनका कोई शेयर नहीं होता हो इसके साथ अगर पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली किसी आउटसाइडर्स या थर्ड पार्टी के साथ काम करते हैं फ़र्म के लिए तो उस काम से होने वाले प्रॉफिट तो वो शेयर करेंगे लेकिन अगर लॉस हो जाए तो वो उस लॉस को शेयर नहीं करेंगे ऐसे पार्टनर्स को मैनेजमेंट के डिसीजन में शामिल नहीं किया जाता है इनकी मैनेजमेंट में कोई भी वॉइस नहीं होती है सिक्स्थ है माइनर पार्टनर गाइस माइनर उस पर्सन को कहते हैं जो अभी तक अठारह साल का नहीं हुआ हो तो माइनर पार्टनर वो हुआ जो अभी अठारह साल का नहीं हुआ है जिसकी उम्र अठारह साल से कम है माइनर पार्टनर फर्म में सिर्फ प्रॉफिट के हकदार होते हैं फर्म के वर्किंग में उससे रिलेटेड डिसीजंस में माइनर पार्टनर को शामिल नहीं किया जाता इसकी लाइबिलिटी भी इसके शेयर तक ही सीमित होती है इसके साथ ही माइनर पार्टनर जब दी एज ऑफ मेजोरिटी अटेन कर लेता है मतलब जब वो ख़ुद 18 साल की उम्र का हो जाता है तब छः महीने के अंदर ही उसे ये डिसाइड कर लेना पड़ता है कि वो फर्म में पार्टनर रहेगा या नहीं रहेगा और ये डिसीज़न लेने के बाद उसे फर्म में ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है फर्म को ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है कि वो फर्म में एज अ पार्टनर कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं और ये इंफॉर्मेशन उसे एक पब्लिक नोटिस के जरिए देनी होती है एक बात और जो हम सभी को पता होनी चाहिए वो ये कि द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग एक माइनर किसी भी अग्रीमेंट में आता है तो वो अग्रीमेंट इनिशियो डिक्लेयर्ड होगा मतलब वो अग्रीमेंट शुरू से ही इनवैलिड है अमान्य है हालांकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग माइनर पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म सिर्फ बेनिफिट के लिए पार्टनर बनना फर्म में अलाउ करता है टाइप्स ऑफ पार्टनर में सेवेंथ कैटेगरी ऑफ पार्टनर है लिमिटेड पार्टनर लिमिटेड पार्टनर वो है जिसकी लाइबिलिटी सिर्फ उसी एक्सटेंड तक की होती है जितना कि उन्होंने फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया हो ओके एट है सीक्रेट पार्टनर जिस पार्टनर की मेंबरशिप फर्म में सीक्रेट रखी जाती है आउटसाइडर्स और थर्ड पार्टी से उसे सीक्रेट पार्टनर कहते हैं सीक्रेट पार्टनर partner, बाकी पार्टनर्स की तरह ही फर्म में सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं डिसीजंस में उनकी वॉइस होती है और प्रॉफिट और लॉस भी इंजॉय करते हैं और बेयर करते हैं बस इनके बारे में आउटसाइडर्स या थर्ड पार थर्ड पार्टीज को ये खबर नहीं होती है कि ये बंदा भी फॉर्म में पार्टनर है तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फार्म अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों से शेयर करें थैंक यू